मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और सबीन अहमद के साथ हमने 15 से 17 साल काम किया जब TTUF नया नया बना था। उस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी वहाँ पर और उस वक्त मुझे मेंटेनेंस इंचार्ज का काम दिया गया था उस वक्त TTUF को बनते वक्त। तो एक बहुत लंबा अरसा सबीन के साथ काम किया है। देखिए TTUF जब बना तो उस वक्त हमें अपॉइंट किया गया था और सबीन की तरफ से ही हमें बताया गया था कि ये एक जगह बन रही है। हम सारी टीम को, जो भी हमारे 4-5 लोग थे, उन सब टीम को एक साथ बिठाकर सभी ने यही कहा था कि हम ये जगह बना रहे हैं, अब ये एक स्टार्ट है, ठीक है, चलता है नहीं चलता कुछ पता नहीं, अगर नहीं चलेगा तो हम बंद कर देंगे, आपको बता देंगे, लेकिन ये हमारी स्टार्टअप कोशिश है, आप लोगों ने सबने साथ रहना है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, पहले से ही हमें बता दिया था कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी हमें, तो बस साथ जुड़े रहना। फिर स्टार्ट इस तरह से हुआ, मसले मसाइल तो खैर जब स्टार्ट होती है कोई चीज तो मसले तो होते हैं, ठीक है। पहले ये स्टार्ट ही हुआ था तो सेकंड फ्लोर पे, वहां पे एक ऑफिस था, उसको पूरा चेंज करके वहां पे द सेकंड फ्लोर, क्योंकि वो था ही सेकंड फ्लोर पे, तो उसका नाम द सेकंड फ्लोर रखा गया। बेसिकली मेन जो मकसद था वो एक बैठक की जगह टाइप बनाना, जहाँ पे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, माइंड सेटअप, कुछ ऐसा लोग आके डिस्कस करें कि अवेयरनेस के ऊपर बात हो, लोगों की ज़हनियत के बारे में बात हो। तो मतलब बहुत सारे शायर आए, बहुत सारे लोग आए वहाँ पर, तो शुरुआती दिनों में बहुत सारे मसले तो हुए हैं, लेकिन ये है कि सबीन के साथ जो था ना वो हमें मसला नहीं, वो असल में उन्होंने अपना नाम खुद भी रखा हुआ था फिर ट्रबल मेकर, तो वो खुद से भी कभी कभार मसले, अच्छी बात थी क्योंकि वो समझना चाहती, वो एक बार बात अक्सर कहती थी कि दिमाग की मालिश करना बहुत जरूरी है ना, तो जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आप सांस लेने की कोशिश करते हैं और नए आइडियाज आपके पास आते हैं। मेरे लिए तो TTUF जो बनी, मैं सबीन को फिर, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने उस वक्त उनको बाय फेस कहा हुआ कि आप मेरी टीचर हैं, क्योंकि वो एक बॉस नहीं थी, वो एक टीचर की तरह गाइड करती थी। बहुत सारे मेरे अपनी ज़िंदगी के मसले, निजी मसले, जिनके ऊपर उन्होंने कई दफ़ा मुझे मशवरा दिया है, कई दफ़ा मुझे समझाया है, और ज़िंदगी के पहलू में बहुत सारी बातें, तो मतलब मेरे लिए तो वो टीचर थी और मैंने उनको कहा भी था। और वो TTUF जो था वो एक इंस्टीट्यूट, एक ऐसी जगह थी मेरे लिए, वो एक समझ ले के यूनिवर्सिटी थी, है ना, जहां पे मैंने अपने आप को समझना शुरू किया। हमारे में एक कबीर साहब की एक वाणी है, कॉल कहते हैं जिसे, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखलाए। तो एक तरफ इस कायनात को बनाने वाले और एक तरफ आपके टीचर हैं, तो आप सबसे पहले किसको वो करेंगे? तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आप सबसे पहले टीचर को वो करेंगे, क्योंकि खाले के कायनात को तो आपने देखा ही नहीं था, टीचर ने वो आपको आंखें दी जो आप दुनिया को देख सकते। तो बेसिकली मेरे लिए मेंटर, टीचर, लीडर, बॉस, एक अच्छे दोस्त, बहुत कुछ, बहुत सारे नाम हैं उसमें। और TTUF एक मेरे लिए तो यूनिवर्सिटी थी। जब मैं मेंटेनेंस इंचार्ज में मुझे जॉब दी गई तो मेरे काम थे मेन क्लीनिंग, परपल्सिंग, एसी की, इलेक्ट्रिशियन की प्रॉब्लम, वाटर, सीवरेज,
जो चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, लॉजिस्टिक, इन चीजों को देखना। उसके अलावा अब हम बैठे होते तो कई दफा मैं बाहर बैठा हूँ, कभी कैफे में बैठे हूँ, अब जाहिर सी बात है कि हम तो बैठे हुए ना, हमारा काम नहीं है उस वक्त, तो लोग कैफे में आ रहे जा रहे हैं, हम बैठे हैं। अब इवेंट हो तो शुरुआती दिनों में साउंड सेटअप नहीं था, तो एक वक्त जहीर आलम के दवाई साहब और सबीन एक छोटा सा साउंड के लिए मिक्सर ले आए और कुछ एक दो माइक्स, कुछ स्टैंड ला के रखा उन्होंने। उन्होंने देखा कि यार अच्छा, कैफे में बरिस्ता तो काम कर रहा है, सर्वर जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं, वेटर जो लड़के हैं वो बेचारे सर्विंग कर रहे हैं, ठीक है, अब सारे लोग काम कर रहे हैं, ये अच्छा चांद जी यार ये आपने चलाना है, मतलब बियॉन्ड मेरे लिए तो एक मुश्किल तरीन चीज है ना, आपने लाके मुझे दे दिया कि मिक्सर चलाना है। मैंने कहा कि मैंने कभी चलाया नहीं। कोई मसला नहीं है, ये वॉल्यूम है, इक्वलाइजर है, अगर आवाज थोड़े नीचे ऊपर हो आपने कंट्रोल करना है, दैट्स इट, करो। तो मतलब बहुत सारे ऐसी चीज थी कि आपने करना है ना, अब करना है तो फिर कहीं नहीं जाना, तो करना ही है। सबसे पहली बात होती है कि आप ना, आपका माइंड जो है ना वो खुला होना चाहिए। जहां तक मेरा दिमाग का ताल्लुक है कि मैं भी कहीं ना कहीं इंसान हूँ, किसी माशरे का हूँ और फिर माइनॉरिटी, तो एक तो कैद ऊपर से दूसरी कैद है ना, तो मेरा भी माइंड ऐसा ही है था। सभी एक चीज कहा करती थी कि आप कोई भी काम करें, आपके दिमाग को खोल कर कर, अगर आप बाउंड्रीज में हैं तो फिर आप वो तय नहीं कर पाओगे कि आप क्या कर रहे हो, है ना। और सबीन से सीखने का तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ, मतलब एक चीज बंप करनी, और मैं उनके जो मुझे सबसे चीज अच्छी लगती थी वो उनकी यही थी कि वो एक यूनिवर्स में आई हुई एक स्टार होता है ना जो बंप करता है, वो आपको जगाता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें की है सबीन से, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबीन का तो नाम ही मेरे लिए तो बेसिकली, मैंने कहा ना कि मेरा साउंड का काम होता था, मैं फिर मुझे सबीन ने गैलरी मैनेजर के तौर पर वहां पे रखा नए जगह पे, तो साउंड सेटअप सारी चीजों को अरेंज करना गैलरी को, वो सारा मेरा काम था। इवेंट्स लगाना और इवेंट्स के बाद उसको रैप अप करना, वो सारा काम मेरा। तो वो जो इवेंट था वो मिलके गई, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं चेयर्स को रैप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो चेयर थी वो फोल्डिंग चेयर थी, वो रैप कर रहा हूँ और वो कहते हुए कह रही कि मैं जा रही हूँ चांद, मामा साथ थी उनके। फिर वो जिनका इवेंट था वो आए, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जाना है, सबीन ने शायद हमें बुलवाया था गाड़ी के जरिए, तो वो जाने की गाड़ी कहाँ है। तो मैंने कॉल की उनको, कॉल की तो नहीं उठा पाई। चेंज ऐसा आया कि देखें आप, जब आप अंधेरी रोशनी अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, आपके पास एक टॉर्च होती है, वो आपको रास्ता दिखा रही होती है ना। बस आप इतना सोच सकते हैं कि अंधेरी रात हो, अंधेरी जगह हो, अननोन, और आपके पास टॉर्च नहीं, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल जिंदगी तो गुजारनी है ना, कहीं ना कहीं लाइफ को आगे तो बढ़ाना है, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, उनको भी आगे जिंदगी में कुछ देखना है। क्योंकि मेंटर जब होता है ना,
तो कहीं ना कहीं आप उनके आदि भी हो जाते हो, क्योंकि मेंटर आपको गाइड करता है वक्त पे वक्त, आप उनसे अपने मसलों के हल पूछते हैं, आप कदम जो रख रहे होते हैं वो पूछते हैं कि मैं ठीक रख रहा हूं या नहीं। तो वो अगर नहीं होता तो आपके लिए मुश्किल होती बहुत। फिर वो जीना तो है ही, सांसें चल रही है एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है।